बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कोर्स सिलेक्शन की किस तरह करनी है और कोर्स सिलेक्शन में कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस को भी देखेंगे ताकि आप जिस टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आ रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी जो कोर्स सिलेक्शन है वो कर सकते हैं। कोर्स सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इसमें मिस्टेक्स करते हैं थ्रू आउट सेशन जो आपका होता है सेमेस्टर, उसके अंदर आप सफ़र करते हैं, आपको तरह तरह की परेशानियां जो है ना वो देखने को मिलती हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल व्यू शॉर्ट नोट्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहें। तो सबसे पहले आपको बताते रहें, यहाँ पर है मोर ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे लास्ट नंबर पर जो हेल्प आता है, उसके बाद कॉन्टैक्ट कोविड और उसके बाद आता है कोर्स सिलेक्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास अपना जो भी आपने एरन क्रेडिट आर्ट्स होते हैं, आपका सेमेस्टर होता है, कोई एग्जामिशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिखा होता है, और दूसरा होता है कि आपकी लिमिट कितनी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है क्रेडिट आर्ट्स की लिमिट कितनी है। अब देखें, यहाँ पर एक स्टूडेंट है, इनका जो क्रेडिट आर्ट्स लिमिट है वो 18 है। इट्स मीन के ये 6 सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। अब जो कि यहाँ पे राइट साइड पे जो है ना, इसकी पूरी वो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है, ये जो बुक बनी हुई है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो डिग्री है ना, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशन सारा कुछ लिखा हुआ है। अब देखें, यहाँ पे सबसे पहले नंबर में आपने इसको लाजमी ओपन करना है। ठीक है, ये जो बुक मैंने आपको बताई है, अब इस स्टूडेंट की मास्टर जो है ना ऑफ कॉमर्स है, एमकॉम है, तो इनके लिए जो पहला जो लिखा हुआ है कि जो प्री सिलेक्टेड कोर्सेज जो है ना उनके बारे में लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है क्रेडिट आर्ट्स के बारे में। जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि मुझे 6 सब्जेक्ट्स क्यों दिए, मैंने तो 8 रखने थे या दिस एंड दैट जो भी, तो आप इसको लाजमी रीड कर लें। देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के अंदर मैक्सिमम 18 क्रेडिट आर्ट्स दिए जाते हैं एम कॉम वालों को, थर्ड सेमेस्टर के अंदर 18 क्रेडिट आर्ट्स अलाउ हैं, हाउएवर सर्टेन केसेस यूनिवर्सिटी आपको 21 क्रेडिट आर्ट्स भी देती है अगर आपका सी जी पी ए 3 से ज़्यादा हो तो। ठीक है, 21 भी देते हैं अगर 3 से ज़्यादा हो तीसरे सेमेस्टर में। फाइनल सेमेस्टर के अंदर आपको 21 क्रेडिट आर्ट्स देती है अगर डिग्री आपकी नहीं है तो, उसके जो है ना मुताबिक आपको जो है ना वो 24 भी दे सकती है अगर आप इनको ईमेल करते हैं तब। ठीक है, और दूसरा ये है कि एफ और डी ग्रेड के बारे में बताया है, इसी तरह बाकी इन चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं कि आप डी ग्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ड्यूरिंग अ स्टडी प्रोग्राम स्टूडेंट्स में अटैम्प्ट टू इम्प्रूव अ डी ग्रेड कोर्स ओनली वंस, ये बड़ी पते की बात है। आपने जो कोर्स एक मरतबा डी वाला इम्प्रूव किया है ना, वो एक ही मरतबा कर सकते हैं, दो मरतबा नहीं कर सकते, ये जेन में रखें। अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ नीचे और भी के इनरोलमेंट, इंटर्नशिप, फाइनल प्रोजेक्ट्स, फाइनल प्रोजेक्ट के लिए एम कॉम के लिए जो है ना वो 33 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, आपका सी जी पी ए 1.75 से ज़्यादा होना चाहिए, ये इंटर्नशिप्स के लिए। और उसके बाद है आपकी सॉरी इंटर्नशिप के लिए और फाइनल प्रोजेक्ट के लिए सी जी पी ए 2 से ज़्यादा होना चाहिए, क्रेडिट आवर्स 51 होने चाहिए, और आपकी स्पेशलाइजेशन अगर करनी है उसके लिए जो है ना ये है 175 और 33 क्रेडिट आवर्स। इसी तरह अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने जो है ना फाइनल प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए एसटीए 630 पास करना ज़रूरी है। जितने भी बच्चों का अभी इस सेमेस्टर में छठा जब या सातवां सेमेस्टर है तो एसटीए 630 है, तो उसको लाजमी जो है ना आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, इंटर्नशिप के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अपने ग्रेड बुक के अंदर यहाँ पर प्रोसीजर कुछ लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं इनका जो है ना वो देखते हैं, ये राइट साइड पे जो बुक बनी है ना, क्लिक हियर टू व्यू रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ आवर कोर्स सिलेक्शन, इसको सिलेक्ट करें। अच्छा, यहाँ पे देखें, इस बच्चे ने ना, एक तो उसने कोर्स फेल किया हुआ है एसटीए 301 का,
एक तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर आपके जो है ना चार सब्जेक्ट्स फेल हुए हैं तो उनमें से दो सिलेक्ट आप करें, दो नेक्स्ट में करें। अगर आपके ये दो सब्जेक्ट्स फेल हुए हैं तो आप एक अभी करें, एक नेक्स्ट में करें। इस बार हम जो है ना एसटीए इनका ये ले लेते हैं, डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को हम चूज़ नहीं करते, इस बार इम्प्रूव नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो है ना सही रिजल्ट नहीं आया, तो हम क्यों दोबारा से जो है ना उसको करें, पास करना है इन्होंने, तो इनका मकसद सिर्फ डिग्री लेना है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका मकसद है सीजीपीए लेना, तो फिर आपने इनको जो है ना इम्प्रूव कर लेना। इस बार एक और अपॉर्चुनिटी दी है इन्होंने कि अगर आपके सी ग्रेड्स भी आए हैं ना, उनको भी इन्होंने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के अंदर ऐड कर दिया है, तो आप सी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को भी अपना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। योर करंट जीपीए इज लो, यू आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव इट, सेंस लो ग्रेड्स लीड टूवर्ड्स वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एंड अल्टीमेटली रिजल्ट टूवर्ड्स ड्रॉप्स आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, देयरफॉर यू आर सजेस्टेड टू गिव प्रेफरेंस टू सिलेक्ट एफ और डी ग्रेड्स कोर्सेज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर जीपी एंड सीजीपी। यहाँ पे देखें, उन्होंने इंपॉर्टेंट सजेशंस भी दी हुई हैं। जो स्टूडेंट्स का सीजीपीए 2 से कम होता है ना, उनको डिग्री भी नहीं देते, इसलिए उन्होंने कहा है कि आपको ड्रॉप आउट भी किया जा सकता है डी और सी ग्रेड्स को, अगर आप रख के जो है ना अपना जीपीए इंप्रूव कर लें। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनके ऑलरेडी जो है ना रिजल्ट अच्छा नहीं है ना, तो फिर हमने एक वो सब्जेक्ट्स चूज़ किया था, चार सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। चार सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पे रख लेने हैं, टोटल आपने पांच सब्जेक्ट्स रखने हैं। अपना आपका सीजीपीए 2 से कम है, 2 से कम सीजीपीए होते हुए आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आप 6 या 7 सब्जेक्ट्स रखें, 5 सब्जेक्ट्स रखें और आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ जाए कोई मसला नहीं, बट आप इसको मैनेज तो कर सकते हैं ना, आपके लिए ईजी तो होता है ना इसको मैनेजेबल बनाना, इसलिए आपने अपनी मिस्टेक ये कभी नहीं करनी। अच्छा, ये भी नहीं करना कि आप जैसे मैंने ये कोर्सेज को फ़ौरन से सिलेक्ट कर लिया, नो, आपने जितने भी आपके यहाँ पे कोर्सेज हैं ना, इन सब के हैंडआउट्स डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको क्या करना है, इसको आप करेंगे रिव्यू करेंगे, कंटेंट्स को रीड करेंगे। कंटेंट्स को रीड करने के बाद फिर जो है ना आपने इनमें से इजी और टफ सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है, एक साइड पे इजी सब्जेक्ट्स, एक साइड पे टफ सब्जेक्ट्स, उनमें से फिर आपने चूज़ करना है, हाफ आपने इजी सब्जेक्ट्स ले लेने और हाफ आपने टफ सब्जेक्ट्स ले लेने। तो यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन के बाद, चूँकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है सेव सिलेक्शन, इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, योर कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर फॉल 2023 इज सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आता है लोड कोर्सेज, अपडेट कोर्स सिलेक्शन और प्रोजेक्टेड, यहाँ पे आपने पहले नंबर पे जो है ना लोड सिलेक्टेड कोर्सेज इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपके जो भी सिलेक्शन है ना उस वो लोड हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक जो है ना सर्वे आ गया, इसको जो है ना मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा, इसको आपने लोड कर दिया है, दोबारा आप वहीं पे जाएंगे कोर्स सिलेक्शन पे, मोर ऑप्शंस में जाके कोर्स सिलेक्शन में जाके दोबारा से फिर जो है ना आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने उसको लोड के नीचे जो क्लिक किया था उसके ऊपर क्लिक करना है, या फिर इसको आप लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करेंगे तो आपके पास जो कोर्सेज आपने सेलेक्ट किए हुए हैं वही जो है ना मेन पेज के ऊपर आ जाएंगे। अगर आपने इन कोर्सेज को दोबारा से चेंज करना हुआ तब भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप देखें, लोड किया था तो उसके बाद से जो है ना यहाँ पे जो मैं भी कोर्स सिलेक्शन की है वो आ जाएगी। इसको दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ कोर्स सिलेक्शन में जाएंगे, अगर आपने कोर्सेज को चेंज करना हुआ तो यहाँ पे आप इनको यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, जो कोर्सेज अगर आपके पहली बार गलत हो भी गए हैं तो आप उसको दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी सपोर्ट जो है मेरी मोटिवेशन है, और कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।